नमस्कार सभी को, गुड मॉर्निंग। मैं शुभकरण, सहायक आचार्य EFM। आज हम BCOM पार्ट सेकेंड ईयर के विद्यार्थियों के लिए EFM पेपर प्रथम राजस्थान में आर्थिक पर्यावरण इकोनॉमिक एनवायरनमेंट इन राजस्थान में यूनिट संख्या 5 के अंतर्गत चैप्टर 20 राजस्थान की औद्योगिक नीति। राजस्थान की औद्योगिक नीति में आज का जो टॉपिक है जिसका हम अध्ययन करेंगे, राजस्थान की औद्योगिक नीति 1994 की प्रमुख विशेषताओं के बारे में। जैसा कि आपको मालूम है कि औद्योगिक नीति की क्यों आवश्यकता पड़ी, उद्योगों की रुग्णता या उद्योगों की कमजोरी के कारण या उद्योग कमजोर होने से सरकार के द्वारा विभिन्न प्रकार के रूल्स रेगुलेशन लगा के उन उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए, उनको सतत विकास करने के लिए औद्योगिक नीति की आवश्यकता पड़ी। हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि राजस्थान में औद्योगिक नीति 1994, औद्योगिक नीति 2010 और 2010 के बारे में हम चर्चा करेंगे। राजस्थान की औद्योगिक नीति 1994 के बारे में हम चर्चा करेंगे और औद्योगिक नीति 2010 और 2014 के बारे में हम चर्चा करेंगे। जैसा कि आज का हमें टॉपिक है, राजस्थान की औद्योगिक नीति 1994 की विशेषताएं में कि राजस्थान एक पिछड़ा हुआ एवं कृषि प्रधान राज्य है, लेकिन वर्षा की कमी के कारण यहाँ कृषि का भी पर्याप्त विकास नहीं हो पाया है। दूसरी ओर हम बात करें कि राजस्थान में खनिज संपदा के पर्याप्त भंडार हैं, अतः राज्य के तीव्र विकास के लिए औद्योगिकरण की नीति को अपनाया गया। राज्य की प्रथम औद्योगिक नीति की हम बात करें तो 24 जून 1978 में घोषित की गई। 24 जून 1978 में राजस्थान के अंतर्गत औद्योगिक नीति की स्थापना हुई, किंतु 1980 में कांग्रेस सरकार के सत्तारूढ़ होने पर इसमें व्यापक फेरबदल कर दिया गया, जिसमें राज्य की दूसरी औद्योगिक नीति 1990 की घोषणा की। लेकिन केंद्र सरकार द्वारा उदारीकरण की नीति अपनाने से बदलते आर्थिक परिवेश को ध्यान में रखकर सरकार ने औद्योगिक नीति में परिवर्तन करना आवश्यक समझा। परिणाम स्वरूप 15 जून 1994 को राज्य की औद्योगिक नीति घोषणा की गई। इस नीति का प्रमुख उद्देश्य तीव्र आर्थिक विकास, निर्यातों वृद्धि, विदेशी विनियोग को आकर्षण करना, निजीकरण को बढ़ावा देना, उद्यमियों को प्रोत्साहन करने के लिए उदार नीति बनाया गया, जो कि राज्य सरकार ने 2010 में उद्योग व निवेश संवर्धन नीति, 2014 में निवेश प्रोत्साहन नीति की भी घोषणा की। इसी क्रम में हम आज पढ़ेंगे राजस्थान की औद्योगिक नीति 1994 के बारे में। इसकी प्रमुख विशेषताओं की हम बात करें तो इसकी पहली विशेषता है नवीन नीति की आवश्यकता। राजस्थान की औद्योगिक नीति की प्रमुख विशेषताओं में प्रथम है नवीन नीति की आवश्यकता, जिसमें राज्य को बदलती हुई उदारीकरण की स्थितियों में राष्ट्र की मुख्य धाराओं को सम्मिलित करने के लिए नई औद्योगिक नीति की आवश्यकता अनुभव की गई, जिसमें इस नीति के कारण राज्य के औद्योगिक विकास में विदेशी निवेश को बढ़ावा मिलेगा, जिसमें निजीकरण के साधनों का अधिक उपयोग होगा, औपचारिकताओं को कम करने व नियमों को सरलीकरण करने के लिए औद्योगिक उत्पादन व निर्यात में वृद्धि होगी, रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, और इन सब के लिए नई औद्योगिक नीति की आवश्यकता अनुभव की गई। दूसरी हम बात करें नवीन औद्योगिक नीति के उद्देश्य, दूसरी विशेषता है नवीन औद्योगिक दूसरी विशेषताओं में बात करें नवीन औद्योगिक नीति का उद्देश्यों में, जिसमें 1994 के प्रमुख उद्देश्य रखे गए, जिसमें राज्य का तीव्र गति से औद्योगिकरण करना और राज्य के
संसाधनों का अधिकतम उपयोग करना, अतिरिक्त रोजगार के अवसरों का सृजन करना और प्रादेशिक असंतुलनों को हटाना, निर्यात संवर्धन और खादी व ग्रामीण उद्योगों, हथकरघा, दस्तकारी व लघु अति लघु उद्योगों को सहायता देना सम्मिलित किया गया। तीसरी बात करें नवीन नीति की व्यूहरचना की, नवीन नीति की व्यूहरचना नवीन नीति की व्यूहरचना के उपरोक्त उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित व्यूहरचना अपनाएगी, जिसमें विनियोगों के लिए वातावरण में सुधार किया जाना चाहिए, भौतिक व सामाजिक आधार ढांचे का विस्तार किया जाना चाहिए, नियम व कार्य विधियों को सरलीकरण किया जाना चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर को तेजी से विकास निजीकरण क्षेत्र में वृद्धि की जानी चाहिए और निर्यातों और राज्य संसाधनों पर आधारित विकास को उच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए, उद्योगों को शीघ्रता से आदान उपलब्ध कराना चाहिए जिसमें विभिन्न प्रकार के स्वीकृतियों के मामलों में तेजी से निपटना चाहिए, जो रोजगारमुख विनियोगों के लिए लघु ग्रामीण लघु उद्योगों को प्रोत्साहन, दक्ष मानवीय शक्ति की उपलब्धता का सुधार करना, गुणवत्ता सुधार शामिल किया गया। चौथी विशेषताओं की बात करें औद्योगिक संरचना। इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर किस प्रकार से हो, राजस्थान में औद्योगिक संरचना में निजी क्षेत्र के लिए स्थापना को प्रोत्साहन दे रही है, जिसमें राज्य में पावर सृजन क्षमता, जल का अभाव और विभिन्न प्रकार के रेल मार्ग, मीटरगेज, ब्रॉडगेज सुविधाओं में भी काफ़ी वृद्धि की गई है। एक अगली विशेषताओं की बात करें जो कि औद्योगिक रुग्णता, पांचवी विशेषता है जो कमज़ोर उद्योग हैं, जो आर्थिक दृष्टि से बिल्कुल कमज़ोर हैं, उनको बढ़ावा देने के लिए सरकार विभिन्न प्रकार के प्रयास कर रही हैं, औद्योगिक रुग्णता में सम्मिलित है। औद्योगिक रुग्णता की बात करें तो बिक्री कर की प्रेरणा व आस्थागन योजना 1987 और 89 के अंतर्गत रुग्ण इकायों को कर देयताओं को 50% की दर से छूट आस्थगन की सुविधा देने का भी एक प्रावधान है, जो राजस्थान राज्य विद्युत मंडल भविष्य में बकाया राशियों को विलंब भुगतान सरचार्ज की जगह सामान्य दशाओं में केवल 15% वार्षिक ब्याज भी लेगा, जिसमें राजस्थान वित्त निगम व रिको द्वारा ग्रहण की गई रुग्ण इकायों को शीघ्र निपटारा करने के लिए प्रत्यक्ष एक कार्यक्रम भी तैयार किया जा रहा है, जिसकी घोषणा शीघ्र की जाएगी। रुग्ण इकायों के लिए अन्य गैर BIFR इकायों को पहचान कर उनके अतिरिक्त भूमि बेचने या उसकी बकाया राशियों के लिए भी एक विभिन्न प्रकार के रूल्स रेगुलेशन या विभिन्न प्रकार की छूट दी गई है। शीघ्र स्वीकृतियां व प्रणाली का सरलीकरण, शीघ्र स्वीकृतियां और प्रणाली का सरलीकरण को भी एक महत्वपूर्ण रूप से, जो कि 115 उद्योग लघु उद्योगों को अनापत्ति प्रमाण पत्र देने से मुक्त कर दिया गया, जिसमें 26 उद्योग लाल श्रेणी में रखे गए, 32 उद्योग कम प्रदूषण वाले उद्योग रखे गए, 14 इसमें श्रम कानून बनाए गए, निजी निरीक्षण के लिए दंड मापदंड घटाए गए, जिसमें 12,600 फैक्ट्रियों में से 5,000 इकाइयों को मुक्त कर दिया गया, जिसमें 15 की जगह 3 इकाइयों को लागू किया गया, एक निर्यात वृद्धि के भी प्रयास किए गए। सातवीं है निर्यात वृद्धि के प्रयास। निर्यात वृद्धि के प्रयास उद्योगों में जो भी प्रोडक्शन होता है, जो भी इकाएँ होती हैं, उनमें ज़्यादा से ज़्यादा निर्यात के भी लिए प्रयास किए, जिसमें राज्य सरकार के द्वारा निर्यात प्रोत्साहन औद्योगिक पार्क स्थापित किया गया, जिसमें उच्च श्रेणी के आधार की सुविधा उपलब्ध किया गया, जिन निर्यात क्षेत्र भी स्थापित इसमें किए गए। तो इस प्रकार निजी क्षेत्र को प्रोसेसिंग देने के लिए विभिन्न प्रकार के 15 करोड़ से 100 करोड़ रुपये प्रोजेक्टों के लिए, 5 से 7 वर्ष के बच्चों के लिए कच्चे माल पर क्रय कर मुक्ति प्रदान दी गई, गुणवत्ता में काफ़ी सुधार किया गया, एक राजकोषीय वित्तीय प्रेरणाएं भी सम्मिलित है, राजकोषीय एवं वित्तीय प्रेरणाएं।
राजकोषीय एवं वित्तीय प्रेरणाएं भी एक औद्योगिक नीति में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करती हैं। जो अप्रैल 1990 के बाद उत्पादन में आने वाली इकाइयों में पूंजी विनियोग सब्सिडी भी एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करती हैं, जिसमें बड़े व मध्यम वर्गीय उद्योगों को इसमें सम्मिलित किया गया है, जिसमें विभिन्न प्रकार की सब्सिडी दी गई। एक महिलाओं उद्यमियों को भी प्रोत्साहन दिया गया है। महिलाओं इस नीति में महिलाएं उद्यमियों को काफ़ी प्रोत्साहन दिया गया है। इस नीति के अंतर्गत एक श्रम संबंधों में भी काफ़ी सुधार किए गए। श्रम संबंध हैं उसमें काफ़ी विस्तृत सुधार किए गए और भी विभिन्न प्रकार की क्रियाएं हैं, जिसमें औद्योगिक नियमों व प्रक्रियाओं को सरल बनाया गया। औद्योगिक नियम और प्रक्रियाओं को सरल बनाया गया। प्रक्रियाओं को सरल बनाया गया औद्योगिक नियम और प्रक्रियाओं को विभिन्न प्रकार से इसको सरल बनाया गया और विपणन सहायता दी गई। 11वें 12वें पॉइंट की बात करें, मार्केटिंग विपणन सहायता भी इस उद्योग की प्रमुख विशेषताओं में सम्मिलित है। किस्म सुधार व तकनीकी विकास, अच्छी क्वालिटी में किस्म सुधार भी इसमें रखा गया। तो इस प्रकार औद्योगिक नीति 1994 में एक अहम तरीके की प्रमुख विशेषताओं में सम्मिलित है। तो और भी हैं इसमें विभिन्न विशेषताओं की हम बात करें, एक प्रवासी भारतीयों व विदेशी निवेशों के लिए भी एक प्रबंध रखा गया। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति उद्यमियों के लिए विशेष सहायता प्रदान की गई। स्थानीय संसाधनों पर आधारित उद्योगों को प्राथमिकता दी गई और वित्तीय संरचनाओं को सुदृढ़ किया गया। तो इस प्रकार विभिन्न प्रकार के मानवीय संसाधनों पर इसमें बल दिया गया। अभी हम बात करें इस औद्योगिक नीति की और औद्योगिक नीतियों की होनी समस्याओं का समाधान और पर्यटन विकास के स्वतंत्र आदि क्रियान्वयन किए गए। अब इसकी आलोचना की बात करें तो इसमें विद्युत अनुदान के संबंध में ये नीति मौन रही है। एक सार्वजनिक उपक्रमों की इसमें अपेक्षा रही है। रियायतों का सीमित क्षेत्र है। महत्वाकांक्षी अव्यवहारिक नीति मानी गई है। इसमें एक बड़े पैमाने पर उद्योगों को अधिक झुकाव रहा है। लघु कुटीर उद्योगों की इसमें उपेक्षा रही है। विकास केंद्रों पर कम बल दिया है। अन्य विभिन्न प्रकार के दोषों को सम्मिलित इसमें किया गया। तो इस प्रकार औद्योगिक नीति की प्रमुख विशेषताओं में ये विशेषताएँ अग्रणी विशेषताएं रही हैं। तो औद्योगिक नीति 1994 की जो विशेषताएं हैं ये सहायक तरीके से क्रियान्वित रही हैं। तो राजस्थान में औद्योगिक नीति की 1994 की हमने विशेषताओं को हमने क्रमबद्ध अध्ययन किया। अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे राजस्थान की औद्योगिक नीति 2010 की विभिन्न प्रावधान। धन्यवाद।